लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए जानलेवा धमाकों के बाद गुमशुदा लोगों की तलाश का काम अब भी जारी है। राहत कार्यों में जुटे लोग 100 से भी ज्यादा लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनके धमाके के बाद से कोई खोज खबर नहीं है। इस बीच धमाकों के अगले दिन भी बेरूत में धुएं का गुबार और राख का ढेर देखा जा सकता है। लेबनान की राजधानी बेरूत धमाकों से ऐसी दहली कि इसका जख्म कई सालों तक नहीं भरेगा। ये तस्वीरें इस खौफनाक मंजर की दास्तान बयां कर रही हैं। आसमान में धमाकों से उठे धुएं के गुब्बार को अब भी देखा जा सकता है। अफरा तफरी का आलम बना हुआ है और मलबे में तब्दील हो चुके इमारतों के ढेर को समेटने की कोशिशें की जा रही हैं। विस्फोट के बाद पूरा शहर राख के आगोश में ढक चुका है। ऐसा मालूम पड़ रहा है मानो आसमान से राख की बारिश हुई है। बेरूत में एक के बाद एक हुए दो जोरदार धमाकों के बाद लोगों में अब भी दहशत बनी हुई है। इस धमाके में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जानलेवा धमाकों के बाद से कई लोग गायब हैं जिनकी तलाश का काम जारी है। मंगलवार को स्थानीय समय के अनुसार शाम 6 बजे बंदरगाह पर आग लगने की एक घटना के बाद ये धमाके हुए थे। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन डियाब ने कहा है कि जो भी लोग इस घटना के जिम्मेदार होंगे इसकी कीमत चुकानी होगी। आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन में कोरोना का असर खत्म नहीं हुआ है लेकिन लॉकडाउन में ढील लगातार बढ़ाई जा रही है। अब लंदन के ऐतिहासिक विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम को फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है और इसके पहले म्यूजियम को एक बार फिर से चमकाया जा रहा है। म्यूजियम के सीनियर टेक्नीशियन का कहना है कि म्यूजियम की सफाई में काफी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं क्योंकि छोटी सी चूक से बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए साफ सफाई का काम एक्सपर्ट की देखरेख में किया जा रहा है। यही वजह है कि साल में केवल 2 बार ही साफ सफाई का काम किया जाता है। लंबे समय से बंद पड़े म्यूजियम को तमाम एहतियातों के साथ फिर से खोला जाएगा और यहाँ एंट्री पाने वाले हर किसी को फेस मास्क लगाकर पहुंचना होगा। दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। We'll be right back.